दस महीने तक कर्जा माफ नहीं करा। हाँ। लाइट क्या थी, कांग्रेस के राज में एक दिन छोड़ के आती थी। हाँ। एक दिन तो सपा का है, अब किसी दिन एक फीस। हाँ। किसी दिन दो फीस। हाँ। किसी दिन लाइट ही नहीं है। हाँ। रोड और लाइट। हाँ। दिग्विजय सिंह खा गया, इसीलिए कांग्रेस यहाँ से डूबी है। हाँ। और अभी भी डूबेगी, जब सिंधिया निकल गया, जब तक ये कुछ नहीं कर सके। हाँ। तो आगे क्या कर लेंगे, कमलनाथ से चलने की नहीं बनती, 80 साल 90 साल का हो गया, उसको तुम मुख्यमंत्री बनाओगे, क्या क्या स्पिरिट रहेगी तुम्हारी। मामा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। मामा ने जो काम करा है वो 18 साल में किसी ने नहीं करा है। किसी एक आदमी से जाके पूछ लो आप। आप मामा ने, नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि करा उसने काम। हाँ, क्या काम किया करा, जब भी तो 18 साल बैठा है वो, बिना काम करे कोई बैठ सकता है। अच्छा ये कह रहे हैं कि अभी कन्या पूजन किए हैं जो सीएम हाउस में मामा शिवराज सिंह चौहान, तो कह रहे हैं कि पाखंड करते हैं मामा, काम नहीं करते हैं। कहने वाले तो कई हैं, करने वाला अलग, कहने वाला अलग है। अगर कांग्रेस कुछ करती तो 18 साल विपक्ष में नहीं बैठते, समझ गए। और अभी भी उसका दिन वही उगना है क्या, वो वापस विपक्ष में ही जाएगी, वापस विपक्ष में ही जाएगी, देख लेना आप, अभी आने दो रिजल्ट। ये बताइए अभी राम मंदिर का भी मुद्दा आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा कब से अटका रखा था, सन 68 से कांग्रेस ने। हाँ। जबरन में। हाँ। इधर से ले गई उधर लई, इधर। हाँ। से ले गई उधर लई, वो उसने मोदी ने गाड़ दिया नहीं झंडा और राम मंदिर बन गया। अच्छा। अब वो कांग्रेस के ना हमको बुलाया नहीं। हाँ। क्या बुलाए तुम, जब तुम वो मंदिर। हाँ। बना रहे हैं, तुम उल्टे जा रहे हो। तुमको बुला के क्या उसकी ईंट हिलाना, और राम सबके हैं। राम तो है सबके। हाँ। किसके नहीं है राम, मानो तो सबके। हाँ। सबके है राम, तो न्योता नहीं मिला उनको। तब न्योता तुम्हारे कर्म से नहीं मिला। हाँ। क्योंकि तुम कर्म ऐसे कर रहे हो कि तुमको कोई बुलाना पसंद नहीं करता है, नहीं तो कौन नहीं बुलाएगा, किसको नहीं बुलाता है। हाँ। अभी गांव में वो किसी को ही बुलाएगा आदमी। उनका कर्म कैसा है कांग्रेस वालों, दिख ही रहा तुमको, बताया रोड खा गया दिग्विजय सिंह 10 साल में, रोड खा गया, बिजली खा गया, आज तक कोई रोड नहीं बनी, बिजली। कभी किसान से जाके पूछोगे, कभी दो पीस नहीं आए बीजेपी के राज में, कभी भी। अच्छा। आए हैं तो तीन ही पीस आए, स्टार्टर तार टांग के आ जाओ घर। हाँ। लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक चालू हो जाए। दिग्विजय सिंह के राज में अगर टांग आए नहीं। हाँ। तो 10 मिनट बाद मोटर जली हुई मिलती। हाँ। कभी एक पीस। अच्छा। कभी दो पीस। कांग्रेस वाले समय में और बीजेपी वाले समय में क्या बदला है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है, बताइए थोड़ा। अरे बहुत, किसानों को भी सुविधा मिली, किसानों को भी सुविधा मिल रही है, हर आदमी को सुविधा तो मिल रही है नहीं। कांग्रेस के राज में क्या मिला किसको, वो जो इंदिरा आवास देते थे उसमें से भी आधे खा जाते थे। आज भी तो नहीं। हाँ, आज वहाँ से 1 रुपया बेचते हैं या 1 रुपया ही मिलता है लोगों को। अगर कांग्रेस के राज में वहाँ से 1 रुपया बेचते हैं, 25 पैसा भी नहीं आता था। डबरी कागजों में ही खुदवा दी, कागजों में, सिर्फ कागजों में ही खुद गई डबरियाँ। अच्छा। कई डबरियाँ आप किसी भी उठा के रिकॉर्ड ढूंढो, यहाँ ही 50 डिबरी तुमको वो फर्जी मिलेगी। अरे राहुल गांधी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, कुछ नहीं कर सकता है राहुल गांधी। हाँ। क्योंकि उनके उनके पास ताकत नहीं है फैसला लेने की। हाँ। समझ गए आप, किसके पास फैसला ताकत, कांग्रेस के पास। कांग्रेस जब तक फैसला रहती है उसका ही आदमी टूट के चला जाता है, सरकार गिर जाती है, जब तक वो अपना फैसला ही नहीं ले पाते। फैसला लेने वाला चाहिए तुरंत आदमी। हाँ। तो काम हो, कौन है अभी लगता है, अभी मोदी के अलावा कोई नहीं है। हाँ। यहाँ तो ठीक है, विश्व में छा रही है वो। हाँ। विश्व में छा गया, विश्व में मुसलमान देश कह रहा है कि हमारा नेता मोदी जैसा हो। हाँ। किसी की ताकत नहीं है। अच्छा। सेना की क्या ताकत थी आज से 10 साल पहले। हाँ। सेना की ताकत नहीं, किसी को जबरन गोली मारते। हाँ। सेना की वो ताकत सब कहाँ से पता है, क्यों नहीं है पता, क्यों नहीं है पता, कोई हाथ से राजनीतिक थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। कोई हाथ से थोड़ी देख रहे हैं। हाँ। जो देखा है वो बोलेंगे हम। ये बताइए कि मोदी का तो मैजिक दिख रहा है कि सब जगह चल रहा है, मामा का चल रहा है जादू की नहीं रहा है, चल रहा है। अभी लेडीजों ने जिताएगी मामा को, लेडीजों जिताएगी, जिताएगी क्या। अच्छा। कितने कितनी लेडीज है, एकदम बढ़िया माहौल है, यही सही हो तो देख, लेडीज कहाँ खुश है इतना लगता है, क्यों नहीं, उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं। जो इस बीजेपी ने किया नहीं। हाँ। वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ। किसानों का फायदा कराया, केडी कार्ड का बनाया, सब इन्होंने किया है। हाँ। बीजेपी वाले ने। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि जो कांग्रेस के समय में जो 2003 के पहले का समय था, आपको लगता क्या दिक्कतें थी, बीजेपी के राज में वो सब सही हो गई हैं आपके हिसाब से। बहुत दिक्कत थी पहले तो, हमारे सड़क की दिक्कत थी, सब हर चीज की दिक्कत थी। हाँ। अच्छा। कुछ नहीं, अब तो बहुत समन हो रहा। हाँ। हाँ। कांग्रेस के राज में खाता नहीं मिला हमको। हाँ? खात नहीं मिला कांग्रेस के राज में। हाँ।
बिजली नहीं मिली और क्या नहीं मिली और अनाप शनाप बिल ठोक रहे हैं। अच्छा तो कमलनाथ को आशीर्वाद देंगे इस बार? नहीं देंगे। मामा को देंगे। मामा को आशीर्वाद देना है? बिल्कुल देंगे। अच्छा मामा कभी मिले आप? अरे मिलते हैं, वो तो 15 रोज में हम अंकल दर्शन करने आते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई है? वही है। मामा क्या आम जनता से मिल रहे हैं इसलिए ज्यादा पसंद है क्या? बिल्कुल साहब। अच्छा आम जनता से मिल रही है? हाँ। भाई नाम बताइए अपना। महेंद्र चाड़िया। चाड़िया भाई बताइए कि आप तो कुछ लोग थोड़ा सा चाचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी की सरकार पे, है? आप बताइए कि क्या माहौल है? माहौल एक तरफा बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। क्यों आएगी? बीजेपी पे ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं को जो है उतार दी है। रीवा से रीति पाठक को उतारा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है। क्या लग रहा है कि बीजेपी कह रही है बीजेपी वाले डर गए हैं कांग्रेस, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने काम इतना किया है, डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, छात्रों में छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, इसके बाद रोडों पे रोड भी अच्छे बनाए बीजेपी ने, बिजली 24 घंटे मिल रही है। हाँ। बढ़िया एक नंबर चल रहा है बीजेपी का मामला। आवास योजना दी है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पे लोग क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं मध्य प्रदेश में? इस बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे हैं कांग्रेस पर लोग? कांग्रेस में सबसे पहले तो अपने आप में फूट ही है। हाँ। अपने आप में फूट है। कोई चाहता है कि ये नहीं बने मुख्यमंत्री, कोई चाहता है वो नहीं बने, और बन भी जाता है तो उसकी टांग खींचते हैं। जनकल्याणकारी जो योजना होती है उनका जनताओं में कर ही नहीं पाते हैं वो, मतलब, और सरकार चल नहीं पाती है ढंग से, योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पा रही पाती ना, ये जनता तक योजना नहीं पहुँचा पाती, जनता नाराज है, अच्छा खासा क्रोध है जनता में। अच्छा इसलिए नहीं चुनेगी सरकार। क्या योजनाएं रही है सरकार की, क्यों जो है आ रही होंगी, मतलब सरकार की क्या योजनाएं जनता तक पहुँच रही है, जो की लगता है किस बार लाडली का आपको लगता है इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा? इस बार लाडली बहना का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना बच्चियों के लिए जो चल रही थी उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लाडली आवास योजना है, सारी योजना चल रही है। मामा को सब लोग कह रहे हैं कि बदलने की जरूरत है, इस बार कोई नया मुख्यमंत्री चाहिए, तो लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पत्ता साफ कर देंगे इस बार। भाजपा में कोई भी मुख्यमंत्री आए, एक नंबर काम होगा। भाजपा की रणनीति ऐसी रहती है गरीब लोगों के लिए कि मैं कोई भी आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बने। हाँ। भाजपा बहुत अच्छा काम करती है। कमलनाथ को लेकर जो कह रहे हैं लोग कि जो है उनका, आपको चेहरा लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक मजबूत चेहरा है कांग्रेस में? कमलनाथ जी की उम्र हो गई अब खाट पे बैठने की और आराम से घर पे रहने की, आठ पे बिठा रहे हैं। हाँ, और सोने के घर पे। हाँ। घर पे रहने की उम्र हो गई उनको। हाँ। वो भाषण देते तो ऐसा ऐसा डगमगा के देते हैं। हाँ। तो ऐसा कोई ऊर्जावान उनमें दिखती नहीं है कि विकास कर पाए वो। और दिग्विजय, दिग्विजय सिंह क्या है, घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पोते होकर छोटे छोटे खिलाना चाहिए घर पे उनको। हाँ। देखो हमारे मामा में कितना पावर है। हाँ। स्टेज इतना लंबा रहता है, बहन की जो दौड़ दौड़ के इधर उधर भाषण देते हैं वो। हाँ। फिर मामा पावरफुल पावरफुल है मामा। हाँ? फिर सरकार की एनर्जी से भरा हुआ हमारा मामा। कह रहे हैं गाड़ी पुरानी हो गई है। कौन सी गाड़ी पुरानी? गाड़ी मामा वाली। अरे कोई गाड़ी पुरानी पुरानी होती है क्या? गाड़ी पुरानी होती है क्या? कह रहे हैं कि गाड़ी पुरानी होगी, बदलिए गाड़ी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस के पाखंडी लोग बोल रहे हैं, भाजपा वाला कोई नहीं बोल रहा है। लग रहा है कि इस बार मामा की सरकार लपक के बनेगी सरकार, फिर भाजपा बनेगी। क्या लग रहा है, कम बढ़िया काम हो रहा है? बढ़िया हो रहा नहीं, मंदिर बना दिया और क्या बना लो। हाँ वो था मंदिर। हाँ। मंदिर बना दिया। हाँ। और इनके अरे तो मंदिर से आपको क्या मिला है? आपको क्या मिला? ब्राह्मण को मिला नहीं भाजपा। आपको तो भाजपा मिला नहीं ना, हमारा तो मंदिर बन गया नहीं। हाँ। अभी इतने दिन का काम बन गया, उससे कुछ फायदा मिला आपको? हाँ तो मिला नहीं। हाँ। भगवान आगे फायदा नहीं मिले क्या? अच्छा। हाँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमको न्योता ही नहीं दिए राम मंदिर बना। नोता तो दिया पर वो आए नहीं, जिमने दम क्या करे? नाराज थे वो तो, कांग्रेस वाले तो नाराज थे राम मंदिर पे। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? गोर्धन सिंह डोडिया। हाँ भाई बताइए कि क्या माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में? इस बार मध्य प्रदेश में 3/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ। और बहुत शानदार, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हाँ। 18 सालों में जो
यहाँ बीजेपी शासन में जो विकास हुआ आप देख रहे हो, ये अंबुजा का मेन चौराहा है, इस पे देखिए चमाचम रोड, यहाँ का स्कूल बाउंड्री, स्कूल परिसर, बहुत कुछ शासन की देन है, नल जल योजना है, बहुत कुछ शासन ने यहाँ दिया है। और पूरे क्षेत्र में सतीश मालवीय पहले विधायक रहे हैं, जो 2013 से 18 तक उन्होंने बहुत विकास करा है, और उनके नेतृत्व में इस बार फिर बहुमत से घटिया में विधानसभा जीतेंगे। तो फिर इस बार क्यों आप लोगों ने जो 18 से बाद वाला विधायक रहा, क्यों कांग्रेस को आप लोगों ने? नहीं, वो जनता का घटिया में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का रूट चला आ रहा है, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि चलो 2 लाख रुपए के कर्जे माफी में किसान बगला गए कि चलो 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा, उस चक्कर में किसानों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। हुआ कुछ फायदा? कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सबको पता है, सब किसान वापिस किसानों को वहीं आना पड़ा। इसलिए अब देख रहे हो ना इस बार आप माहौल मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, हम तो देख ही रहे हैं घटिया विधानसभा में आप लोगों का क्या माहौल कर रहा है। बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस की फिर से वापसी? पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेगी, यहाँ 30,000 वोट से माननीय सतीश मालवीय जी चुनाव जीतेंगे। 30,000 पहले से ऐलान कर दे? हाँ, पूरा कार्यकर्ताओं के जोश पे 30,000 वोट से, हम आप देख रहे हो अभी काफिला देखना अभी आ रहा है थोड़ी देर में कितना। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि मामा ने ऐसे कौन से काम बढ़िया किए हैं जिसपे वोट बीजेपी को मिलेगा? मामा ने ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे लाइट, ग्रामीण क्षेत्र में चमाचम रोड, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को 2,000 रुपये सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, उसके बाद लाडली बहना योजना में 1,000 रुपये, ऐसी अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजना है जो शासन ने यहाँ मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ जनता को दिए। और कमलनाथ? कमलनाथ, कमलनाथ ढोंगी माँ नाथ है, ढोंगी नाथ, ढोंगी नाथ है, दिखी रहा आपको कमलनाथ, खाली घोषणा करिए कहाँ 18 महीने की जब सरकार रही है, मैं उस समय भी देखा आप, उन्हें 18 महीने में क्या स्थिति हो गई थी। तो विधायक उदायक खरीद ले रहे हैं बीजेपी वाले, यही कह रहे हैं वो? अरे वैसा कुछ नहीं है, विधायक कहाँ खरीद रहा, अगर विधायक खरीदते तो अभी देखता, आपको देखना ही पड़ता। जब उन्होंने बोला था कि हम 10 दिन में पूरा कर्जा माफ करेंगे, कहाँ करा 10 दिन में कर्जा माफ, 11 महीने तक नहीं करा। नाम भैया? रविंद्र। रविंद्र? हाँ नवीन भाई, बताओ कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है अभी। बीजेपी है कौन? बीजेपी का? बीजेपी का मामा कमलनाथ। मामा कमलनाथ? मामा। मामा कौन आ रहा भैया? मामा कमलनाथ। मामा? मामा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मामा? उनने काम करा। काम किया? क्या भैया कौन आ रहा है? मामा जी आएंगे। मामा आएंगे? हाँ, काम चल रहा है उनका और चलता रहेगा कंटिन्यू। चलिए तो देखिए, ये हम कौन सी विधानसभा है? घटिया। हाँ, घटिया विधानसभा में थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, यही जानने की कोशिश थी कि आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव में आम जनता क्या कुछ कह रही है, क्या उनके मुद्दे हैं और क्या मुद्दे इस बार रहेंगे जिस पर उनके वोट पड़ेंगे। लाडली योजना का जहाँ तक जिक्र किया जाए, लगातार इसी की बात हो रही कि लाडली योजना एक प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक रही है जिसका फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।